नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस नॉलेज में दोस्तों जैसे कि अमेरिका की लॉकेट मार्टिन अमेरिका को एक से बढ़ एक हथियार बना के देती है वैसे भारत भी अपनी प्राइवेट कंपनियों को आगे करने में लगा है और भारत की प्राइवेट कंपनी बहुत ही बड़ा कारनामा करके दिखाया है तो दोस्तों आज मैं इसी टॉपिक पर लेके बात करने वाला हूँ कि भारत की कंपनी ने कौन सा बड़ा कारनामा करके दिखाया है दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि अमेरिका की लॉकेट मार्टिन अमेरिका को एक से बढ़ एक हथियार बना के देखती है एफ़ थर्टी फाइव एफ़ ट्वेंटी टू रैप्टर जैसे खतरनाक विमान भी उसी कंपनी ने बना के दिया है वैसे भी भारत की एक ऐसी कंपनी है जिसने बहुत ही बड़ा कारनामा किया तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वेलाइकन पर प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुँच सके दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं उस कंपनी के बारे में दोस्तों इस कंपनी का नाम है वैम वैम ने बहुत ही ज़्यादा घातक हथियार बनाया है तो दोस्तों ये हथियार है अजीता वैम अजीता नाम का ये हथियार है जिस जो कि एक डिफेंस सिस्टम है दोस्तों आखिर वैम अजीता डिफेंस सिस्टम का हमारे भारत में क्या काम है आज बिल्कुल मैं इसी विषय पर लेके बात करने वाले हैं दोस्तों आप लोगों को ये पता होगा कि भारत को अगर अपने सभी शहरों को प्रोटेक्ट करना होगा तो उसे डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप ये मान लीजिए कि कोई बाहरी देश से अगर डिफेंस सिस्टम कुछ खरीदे जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा महंगे पड़ जाते हैं वहीं पर अगर भारत की स्वयं की कोई कंपनी ऐसे डिफेंस सिस्टम बना लेती है तो भारत को बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा अभी कुछ लोग यहाँ पे ये कहेंगे भारत तो S400 ले रहा है तो उसे वयम अजीता का क्या काम है दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं पहली बात तो S400 काफी कम संख्या में आ रहे हैं भारत दूसरा आप ये मान लीजिए वो इतना ज्यादा महंगा डिफेंस सिस्टम है कि भारत उसे सभी शहरों पे नहीं लगा सकता है और तीसरा मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इतना ज्यादा बड़ा होता है ये मतलब अपने साथ मिसाइल कैरी करके लेके चलता है तो ये अगर आप मान लीजिए कि हम शहर में लगा भी देते हैं ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तो उसके बाद कोई मान लीजिए बाहरी देश हमारे शहरों पे हमला करता है तो ये अगर पलटवार भी करेगा तो वहाँ पे क्या समस्या हो जाएगा जो इसका मलबा निकलेगा उससे काफ़ी ज़्यादा लोग मर सकते हैं तो उससे अच्छा यही है कि भारत छोटा सा छोटा कोई डिफेंस सिस्टम लेकिन अटैक करने की क्षमता काफ़ी तेज हो आप ये मान लीजिए रेंज उसकी भले ही ज़्यादा ना हो लेकिन अटैक करने की क्षमता जो कि बहुत ही रफ्तार से हो बहुत ही तेज हो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी भारत ने कुछ दिन पहले एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से डील जरूर की थी खरीदने के लिए वो था नेशनल टू मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसकी डील की थी लेने के लिए लेकिन उस के कुछ ही दिन बाद वो डील जाकर ख़त्म कर दी गई दोस्तों ये काफ़ी अच्छा भी था कि वो डील समाप्त कर दी गई क्योंकि भारत ऐसा खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा था जिसका नाम है वैम अजीता दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं वैम अजीता के बारे में इसकी जो अटैकिंग क्षमता वो काफ़ी तेज है भले इसकी रेंज ज़्यादा ना हो लेकिन इसकी अटैकिंग क्षमता की वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिफेंस सिस्टम होने वाला है तो इससे भारत अपने सभी शहरों को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है दोस्तों कंपनी का मानना है कि इसकी जो अटैकिंग क्षमता है वो डेविड स्लिंग जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के जैसी है बिल्कुल तो आप ये मान सकते हैं कि दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर पे ऐसा डिफेंस सिस्टम आता है इससे भारत को बहुत ही जल्दी बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई तो आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाइए कमेंट्स कीजिए और हाँ चलते चलते आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे का सब्सक्राइब का बटन है जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ आइकन पर यार जरूर ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो दोस्तों चलता हूँ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय जै भारत